देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आठ देशों तक फैला ओमिक्रॉन, कुल 26 लोगों ने गंवाई जान, स्वास्थ्य मंत्रालय ने के अनुसार। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आधी रात से टोल कलेक्शन होगा शुरू। दिल्ली में 100 फीसदी लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज, सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। शेयर बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन लाल निशान पे बंद हुआ शेयर बाजार। अजय कुमार टेनी के ब्लैकमेल करने के आरोप में 5 गिरफ्तार, सबूत का दावा कर करोड़ों कर रहे थे मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। खबर फतेहपुर के कस्बा बकेवर सब्जी मंडी से है, जहां जन विश्वास यात्रा के आने पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार किसानों और गरीबों के विकास के लिए काम किए हैं, जबकि पिछली सरकारों ने आम लोगों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में हर गांव को बिजली मुहैया कराई गई और घर घर कनेक्शन दिए गए। पहले कनेक्शन के लिए लोगों को बिजली विभाग के दफ्तरों में भटकना पड़ता था, अब बिजली कर्मचारी खुद गांव गांव जाकर कनेक्शन कर रहे हैं। आज इतना विशाल समागम यहां पर हुआ है, फतेहपुर तो जैसे कहते हैं बम बम बोल रही है काशी, तो आज बम बम बोल रहा है फतेहपुर। आज फतेहपुर में जिस तरह सड़कों पर बिछकर लोग आए हैं बिछकर, वो आज अभूतपूर्व था। और मैं समझता हूँ कि आज का ये ऐतिहासिक यात्रा अपने अगले मुकाम। ताजनगरी आगरा के तहसील बा में 25 दिसंबर को थी धाम और पूर्व प्रधानमंत्री के पैतृक गांव बटेश्वर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर कई करोड़ योजना का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री सहित डीएम एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और हेलीपैड के लिए जगह चिन्हित की गई, जहाँ प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। मंत्री से मांग करी थी कि 25 तारीख को कार्यक्रम बटेश्वर में करा जाए, क्योंकि मूल रूप से उन्हीं का पैतृक गांव ये है। खुशी की बात यह है कि उन्होंने स्वीकार किया और कल आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो उनने पहले घोषणा करी थी कि एक संग्रहालय बनेगा और प्रतिमा उनकी लगेगी, एक लाइब्रेरी उनके नाम से बनेगा, ये सब चीजें कि शिलान्यास और देखने। खबर देवरिया के सलेमपुर से है, जहां तकनीकी खराबी के चलते नहीं पहुंचे हैं मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वर्चुअली संवाद करके जनता को संबोधित किया। इस दौरान लोगों ने बताया कि आज उप मुख्यमंत्री का नहीं आना काफी दुख की बात है। कार्यक्रम तो अच्छा था सर, अच्छा, लेकिन सर नहीं आए थे, तो मान लीजिए हम सर से मिलने के लिए आए थे, सभी लोग हमारे साथ जो महिला आजीविका मिशन से आई थी, मैं बोली कि चलिए आप लोग मिल लीजिए, सर नहीं आए थे, इसके लिए तो हम लोगों को उदासी है। ये जो जन विश्वास यात्रा योजना था, ये आम जन को समझाने के लिए उनके परिवार में जाने के लिए योजना था, इसमें आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी और अमित शाह जी नहीं आ पाए, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन थी। ये तो दुख हुआ है ना, जनता इतनी परेशान हुई, कितने दूर दूर से जनता आई थी, आने के बाद सब पानी फिर गया। जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराए गए 5 वर्षों और पिछले कार्यकाल के काम को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए, आम जनता तक उसके संदेश को देने के लिए कि जनता में उनके कार्यों के प्रति विश्वास कायम है, इसलिए यह यात्रा चलाई गई। यह यात्रा
आगामी 3 तारीख तक चलेगी। इस यात्रा से हमें संदेश दे रहा है कि हमने जितने विकास के कार्य किए हैं आम जनता के हित के लिए किए हैं और आम जनता उससे संतुष्ट है। जो आम जनमानस की भीड़ दिख रही है लोगों के सड़कों पर उत्साहित होकर इस संदेश यात्रा विश्वास यात्रा का स्वागत कर रही है, इससे निश्चित रूप से साबित होता है कि 2022 के चुनाव में एक बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। अब खबर उन्नाव से है जहां प्रियंका गांधी के बयान पर साक्षी महाराज ने पलटवार करते हुए कहा कि गांधी परिवार ने देश को लूटने का काम किया है, बहुत ही सलीके से किया है और आगे उन्होंने शिवपाल यादव पर भी जुबानी पलटवार किया है। आगे आपको सुनाते हैं क्या कुछ साक्षी महाराज ने कहा। दिशा की बैठक में भारत सरकार के द्वारा कराए गए प्रदेश सरकार के माध्यम से कार्यों की समीक्षा की जाती है, किसी ने काम अच्छा किया तो शाबाशी दी जाती है, कहीं काम में गड़बड़ है तो उसके लिए कमेटियां निश्चित की जाती हैं, जांच कमेटी बनाई जाती है। क्योंकि चुनाव सामने हैं तो ये हर 2-3 महीने में एक बार दिशा की बैठक होती है, उसी क्रम में आचार संहिता लगने की आशंका से पूर्व हमने इसको आज इस बैठक को रखा था। पूरे जिले के हरेक विकास कार्य की समीक्षा की गई, जहाँ सही कार्य था उसकी प्रशंसा की गई, जहाँ कुछ गड़बड़ लगा था तो उनको चेतावनी दी गई और माननीय विकास अधिकारी महोदय जिला विकास जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया गया कि जांच कमेटी बना करके उसकी जांच कराए। महाराज, प्रियंका गांधी ने कहा है कि राम जन्मभूमि में अधिकारियों और नेताओं ने पैसे कमाए हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है वो अपने परिवार की बात कर रही है, ये काम सबसे बढ़िया सलीके। बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के अंबा कॉलोनी में भाजपा युवा उपाध्यक्ष के आवास पर दबंगों ने मारपीट करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जनप्रिय सिंह आरोपी के हमले के बाल बाल बचे, जिसके बाद उन्होंने रालोद के क्षेत्रीय महामंत्री पर जानलेवा हमले करने के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। और हथियार उनके पास में मेरे ख्याल से 3 से 4 हथियार थे और जो बुलेट यहाँ पर जो उनके उस वेपनों से चली हैं उसको पुलिस ने यहीं पर मौके पे जो है बरामद किया। एफआईआर रजिस्टर्ड मैंने कराई है, जिन लोगों को मैंने पहचाना है और जो मेरे साथियों ने पहचाना है उन लोगों की एफआईआर हमने ली है और उनके खिलाफ़ एफआईआर की है, तो उसमें जो है 307 के उसमें जो है प्रशासन ने तुरंत एक्शन ले करके और प्रशासनिक काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी रहा रात में, तुरंत प्रशासन के सभी लोग आए, SPCT साहब आए, कोतवाल साहब आए, सब लोगों ने तुरंत एक्शन लेकर के उसके खिलाफ मुकदमा 307 में दर्ज कराया। हाँ, एक कोतवाली नगर में एक अंबा कॉलोनी में रात में फायरिंग की सूचना आई थी, उस सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी, उनके द्वारा 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बाकी छानबीन की जा रही है। खबर मऊ से है जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता व घोसी लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी राजीव राव के यहां कई दिनों से आयकर विभाग के छापेमारी ने जिले में राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। इस दौरान दर्जनों सफाई कलेक्ट्रेट पहुंचे और भाजपा सरकार ने प्रताड़ित करने के उद्देश्य से छापेमारी कराने का आरोप लगाया। इस दौरान सपा नेताओं ने उत्पीड़न बंद करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा है। उत्पीड़न के खिलाफ उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है माननीय राष्ट्रपति जी, जिसमें इनकी कुछ 6 मांगे हैं, जिसमें कि इनके जो राष्ट्रीय सचिव हैं उनका से संबंधित कुछ मांगे हैं, उचित माध्यम से ये जो मांगे हैं पहुंचा दी जाएगी, भी कहना है ये माननीय राष्ट्रपति महोदय को उचित माध्यम से ये बातें पहुँचा दी जाएंगी। समाजवादी पार्टी के लोग अपनी सही बात कहने के लिए अगर कहना चाहते हैं तो या कहीं ना कहीं अपने सरकार के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम, तमाम तरह से ये लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह से आज कुछ दिन पहले आप देखे होंगे हमारे राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजीव राय जी, जो अच्छे वक्ता कहीं कहीं मीडिया पर अपनी बात रखने के लिए रखते हैं, सच्ची बात अपनी बात रखने का काम करते हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह बात देख। खबर लखीमपुर खीरी की है जहां मितौली के ब्लॉक बेहजम में सभागार में ग्रामीण आबादी अभिलेख घिरौनी योजना के अंतर्गत तहसील मितौली में 179 राजस गांव में 13 गांव का घरौनी वितरण भाजपा विधायक सौरभ सिंह सेनू की उपस्थिति में हुआ, जहां उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी ने किया।
25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर बुंदेली समाज ने बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को खून से खत लिखकर यूपी और एमपी में दो हिस्सों में बंटे बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाए जाने की मांग उठाई है। इसी मांग को लेकर बुंदेली समाज के बैनर तले खून से खत लिखकर प्रधानमंत्री मोदी से बुंदेलखंड राज्य बनाए जाने की मांग की गई। हम लोगों ने आज फिर 24वीं बार खून से खत लिखा है बुंदेलखंड राज्य के लिए। हमारा सरकार से यही निवेदन है, आग्रह है कि बुंदेलखंड राज्य अति शीघ्र बनाए। जब चित्रकूट के लिए पार्लियामेंट में और अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो सकता है, तो पूरे बुंदेलखंड के लिए क्यों नहीं हो सकता। 25 तारीख को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिवस है और हम लोगों ने आज का दिन इसलिए चुना है कि 24 तारीख को 24वीं बार ही हम लोग खून से खत लिख रहे हैं। मैम, आप आज आपने खून से खत लिखे हैं, क्या आपकी मांग है जो खून से खत लिखे गए हैं? नहीं, मेरी मांग कुछ नहीं है। मैंने तो केवल जो इनकी पोस्ट पढ़ती हूँ या इनकी जो लड़ाई को देखने की कोशिश की मैंने, तो मुझे लगा कि इनकी मांग बहुत ही जेन्युइन है। तो मैं तो सिर्फ इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने और थोड़ी सी सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, मैं और कुछ नहीं। क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, मांग यही है कि हम मोदी जी को ये संदेश देना चाहते हैं आज कि 25 तारीख को अटल जी का जन्मदिन है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2000 में एक साथ तीन नए राज्य बनाए थे। हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी से सवाल है हमारा कि एक साथ उन्होंने तीन राज्य क्यों बनाए थे, नहीं इसके पीछे उनकी क्या मजबूरी थी। कहीं ना कहीं ये बात ऐसी ही है कि बुंदेलखंड जो झेल रहा है कि छोटे राज्य से विकास अच्छा होता है, इसीलिए उन्होंने बनाए थे। आज सरकार चित्रकूट को मुक्त क्षेत्र घोषित कर रही है और उत्तर प्रदेश विधानसभा में इसके लिए प्रस्ताव पास हो गया है। चित्रकूट के विकास के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में भी जल्दी प्रस्ताव। खबर कानपुर से है, जहां शिखर पान मसाला कंपनी के ठिकानों पर बीते 24 घंटे से कार्रवाई चल रही है, जिसमें कंपनी के एक सप्लायर के पास से अब तक 90 करोड़ नगद और 150 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति बरामद हुई है और नोटों की गिनती लगातार जारी है। कंपनी ने कई फर्जी फर्मों के नाम से बिल बनाकर करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की है। साथ ही इत्र कारोबारी पीयूष जैन का भाई पम्मी जैन समाजवादी पार्टी से एमएलसी है, जिसने समाजवादी को लंच किया था। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रिजवान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो रिजवान, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर क्या है पूरा मामला? सबसे पहले श्वेता जी, मैं आपको बता दूं, मामला ये आईटी का मामला है, जिसमें से आईटी को दो दिन हो गए हैं कानपुर आए हुए, दस्तक दिए हुए। उसके बाद उन्होंने नामचीन पान मसाला फैक्ट्री शिखर पान मसाले में रेड डाली है और दूसरी रेड पड़ी है इत्र कारोबारी के ऊपर, जो पीयूष जैन है इत्र कारोबारी। जी, जिस तरीके से अभी ये भी बताया जा रहा है कि पीयूष जैन जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, उनपे क्या कार्रवाई की जा रही है? इनका ये बताया गया समाजवादी इत्र पम्मी जैन जो इनके चचा थे, वो समाजवादी इत्र उन्होंने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था और वो समाजवादी से काफी पुराने मामला थे और समाजवादी के वो बड़े दिग्गज नेता व समाजवादी के वो एमएलसी भी रहे। जिस तरीके से भी बताया जा रहा है कि लगातार नोटों की गिनती जारी है, तो अभी तक कितने आंकड़े सामने आए हैं? हेलो रिजवान, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बताएं। जी, अभी तक जिस तरीके से नोटों की गिनती लगातार जारी है, अभी तक कितने आंकड़े सामने आ चुके हैं? मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पिछले 24 घंटे में जो इनके पास 90 करोड़ रुपए की नकद और 150 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की गई है। उसके बाद लगातार छापेमारी अभी भी जारी है व एक टीम इनके इनकम टैक्स की एक टीम को इनके बेटे को ले दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।
मैनपुरी में सर्दी के बढ़ते प्रकोप से निमोनिया और मरीज बढ़ गया है। जानी बीमारियों का कहर बच्चों पर इसका टूट टूट रहा है कि जहां जिला अस्पताल में 23 दिन में निमोनिया से 20 बच्चों की मौत हो गई है। तापमान में भारी गिरावट आई है और वहीं बच्चों की मौत को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीपी सिंह ने जाँच की बात कही है। अभी जानकारी में आया है प्रकरण, जांच कराएंगे कि मतलब किस तरह से, जबकि जिला अस्पताल में और महिला चिकित्सालय में कुल मिलाकर के 4 पीडियाट्रिशियन तैनात हैं। ये सीजनल बीमारियां हैं और होती हैं मतलब, और सभी तैयारियां हैं मतलब, सभी ऑक्सीजन की तैयारी हैं, बच्चों के लिए भी कुबाड़ बना। खबर फरीदाबाद के दक्षिण हरियाणा बिजली के वितरण निगम के इंडस्ट्रियल एरिया बल्लभगढ़ हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डर के वर्कर यूनियन के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने सब डिवीजन के एसडीओ के अड़ेल रवैये के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारी नेता लेखराज चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी कर्मचारी के खिलाफ इस तरह की प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी हमारे एक आउटसोर्स के कर्मचारी भानु प्रताप जी लगे हुए थे काफ़ी सालों से, और जिनको हमारे मैनेजमेंट की तरफ से नोटिस देकर हटा दिया गया है बिना कारण के, जो अभी तक कारण नहीं बताया गया है कि कर्मचारी की क्या गलती थी क्या गलती नहीं थी। बिना किसी कारण के उस कर्मचारी को हटा दिया गया है। इसी के विरोध स्वरूप आज हमारी यूनियन विरोध कर रही है और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो अगर मैनेजमेंट हमारे कर्मचारी साथ हमारे साथी कर्मचारी को वापस ड्यूटी पे नहीं लेती है तो हम सोमवार से अनिश्चितकालीन का धरने देंगे। मैं माजिद हुसैन HSB वर्कर यूनियन का सदस्य होने के नाते आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वो हमारे भानु प्रताप सहायक कर्मचारी था, उसकी कोई गलती नहीं थी और उसको बगैर नोटिस के बगैर इन्फॉर्मेशन के उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि ये गलत था। इनको अधिकारियों को नोटिस देना चाहिए था, उसके बारे में बताना चाहिए था। इन्होंने बगैर नोटिस उसको बाहर तो कर दिया और अब अधिकारी बात करने को भी मजबूर हो रहे हैं। हम पूछते हैं उनसे कि भाई आपने बगैर नोटिस इनको क्यों निकाला, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो निगम मैनेजमेंट का फैसला था। निगम मैनेजमेंट एकदम से अचानक फैसला कैसे ले सकती है। खबर ताज नगरी आगरा से है जहां जिला मुख्यालय पर 7 सभासदों के जिलाधिकारी को त्यागपत्र दिया, जहां त्यागपत्र देने के दौरान सभी पार्षदों का आरोप था कि जगनेर नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आगे सभासदों ने बताया कि नगर पालिका जगनेर के टेंडरों में अधिशासी अभियंता और बाबुओं ने लगभग 1.25 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, जिसमें चेयरमैन प्रदीप गर्ग भी इनसे मिले हुए हैं। खबर बांदा से है जहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 4 व्हीलर यात्रियों को पेड़ से टकराने की वजह से मौत हो गई, जहां तेज रफ्तार के कहर ने 2 लोगों की जान ले ली है। दरअसल वो दोनों अरतरा के बल्लान गांव में अपनी बहन के घर जा रहे थे। इस हादसे में एक युवक की हालत गंभीर है। मृतक महोबा जनपद के रहने वाले है और ये घटना जनपद के अंतरा थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास का है। कैसे हो गई, कहाँ जा रहे थे? पेड़ से, बहन है हमारी बल्लान में, बल्लान में बहन है। तो गेवड़ी से बल्लान जा रहे थे क्या? जी, बल्लान जा रहे थे। तो 4 पहिए में थे? जी। तो गेवड़ी से बल्लान जा रहे थे, घटना कहाँ से हुई? अटर्रा के पहले। तो कहाँ, कैसे हुई घटना, क्या हुआ था? अपराध को प्राण रोड पेड़ लगा है। अच्छा, टकरा गई, पेड़ से टकरा गई है। तो यहाँ जिला अस्पताल लेके आए तो डॉक्टर ने क्या बताया? बताया खत्म हो गए। कितने लोग खत्म हुए? 2। कौन 2 लोग खत्म हुए, उनके क्या नाम है?
फरीदाबाद जिले के ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है, जहां बाद में लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट हो गया है, जहां सीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि कनाडा से आए महिला ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई। इसके अलावा इनके घर में दो महिलाएं भी फिलहाल कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और इन तीन महिलाओं को अस्पताल भी भर्ती करवा कर इनके सैंपल भी भेज दिए गए हैं। इसके अलावा इनके संपर्क में आए अन्य लोगों की भी जाँच की जा रही है। ये पेशेंट हमारे कनाडा से आया था 13 तारीख को। 13 तारीख को एयरपोर्ट पे उतरे थे, उस समय उनका जो एट रिस्क कंट्री से नहीं है, क्योंकि कनाडा 2% लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है और ये फरीदाबाद आ गई थी। 14 तारीख को इसकी रिपोर्ट पता पड़ी तो वो कोरोना पॉजिटिव थी। उसके बाद हमने उनकी WGS की रिपोर्ट के लिए भेज दिया था, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर पता पड़ा कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर कितने लोग वहां पर ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं? मनोज, आप हमें सुन पा रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है, फरीदाबाद से खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां स्वास्थ्य विभाग में मचा है हड़कंप, जहां कुछ लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। इसके अलावा इनके घर में दो महिलाएं भी हैं, जहां फिलहाल कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और इन तीनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवा कर इनके सैंपल भी भेज दिए गए हैं। इसके अलावा इनके संपर्क में आए अन्य लोगों की भी जाँच की जा रही है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना रामगढ़ पुलिस ने इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका SPCT मुकेश चंद मिश्र ने खुलासा करते हुए बताया कि वाराणसी से पुलिस टीम ने 20 साल बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो अबू हुसैन बनकर अपने परिवार के साथ रह रहा था। यह प्रकरण थाना रामगढ़ से संबंधित है, जहां वर्ष 2000 में हुई एक हत्या का अनावरण हुआ था और उसमें 3 अभियुक्त उसमें आरोपित किए गए थे, जिसमें एक अभियुक्त पे मफरूरी में चालान किया गया था सन 2000 में और उस अभियुक्त को तब से फरार था ये, और उसका इनाम 1500 पहले स्टार्टिंग में हुआ था और आज की डेट में उस पर 25,000 का इनाम था। ये लगभग 20 साल से फरार था और SO रामगढ़ हरवेंद्र मिश्रा की टीम, जिसमें SSI राम प्रवेश हैं और 2-3 आरक्षी अन्य हैं, जो आपका विवरण इसमें दिया जा रहा है हमारे प्रेस नोट में, इन लोगों ने अथक प्रयत्न करके वाराणसी से इसको गिरफ्तार किया है और आज इसको पर्याप्त सबूतों के साथ भेजा जा रहा है। ये फर्जी आधार कार्ड के आधार पे अपनी पहचान छुपाए हुए था। ये विगत 20 वर्षों में इसने विवाह कर लिया और 4 बच्चों का पिता भी हो गया और निश्चिंत हो गया था कि पुलिस की अब ये पकड़ में है और इधर 20 साल के बाद ये आशातीत सफलता पुलिस रामगढ़ को मिली है। यह प्रकरण उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।